मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, एक्चुअली हो रहा है, होता ही ये बड़ा ही फटीचर सा एक फ्रॉक पहन के आ रही थी मेरे पास, उसके चिथड़े निकले हुए थे और मेरे पास आके एकदम तैयार हो गई, बेबी मैं कैसी लग रही हूँ, ऐसे आके खड़ी हो गई। और मैं क्योंकि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ तो मैं मना भी नहीं कर सका, मैं बोल भी नहीं सका कि बेटी बेबी बुरी लग रही हो, मतलब ठीक ही लग रही हो, अच्छी लग रही हो। फिर मैंने ना बड़ी मुश्किल से मैंने इसको मना, यार ये दूसरा वाला ये जो आपका गाउन है ना इसे ज़रा ट्राई करके देखो। और फिर जब इसने ट्राई किया तो मैंने वो दूसरी वाली जो जो इसकी फ्रॉक थी उसकी चेन ख़राब कर दी ताकि वो पहन ना पाए, तो फिर इसको यही पहनना पड़ा क्योंकि ये मुझे पसंद था, सिंपल है। मैं तो फिर भी एफर्ट मार रही थी ना, ये नच का शूट कर रहा था तो सीधा वहीं से वही कपड़े पहन के आ गए। मेरे को तो आप ये दोबारा पहनते हुए देख लेंगे, बाय द वे मैं ये नच के शूट से आ रहा हूँ सीधा। सो मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं था, सो प्लीज आई हैव अ वैलिड रीजन। शट अप, कोई वैलिड रीजन नहीं। मैं आधा घंटा जब रेडी हो रही थी तो ये बैठा हुआ था खाली, एफर्ट मार सकता था कुछ नया पहनने का, वो जो मैं मार रही थी और मेरे बारे में बुराई कर रहा है। यार मेरा एसोसिएशन तो उससे पहले से है, मेरा एसोसिएशन मैंने आई थिंक सबसे पहली बार आई थिंक स्टार पे बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स में परफॉर्म किया था, वो था 2 साल पहले। मेरा स्टार के साथ यहाँ मेन एसोसिएशन हम लोगों का पिछले साल से शुरू हुआ जब से हम नचवली जीते और इस साल जब मैं नचवली होस्ट कर रहा हूँ। सो आई थिंक यार मेरा तो बहुत ही प्यारा सा साल गुजरा और पूरे स्टार नेटवर्क के साथ बहुत अच्छा गुजरा है, बिकॉज स्टार नेटवर्क के साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें की है। लाइफ ओके के साथ मैंने अपना डे टू डांस जैसा शो किया, चैनल वी के साथ मैं अपना डिस्ट्रैक्शन होस्ट कर रहा था। सो आई थिंक स्टार नेटवर्क तो यार अब फैमिली जैसा हो गया। सो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे करियर की शुरुआत ही स्टार प्लस से हुई थी, जो मेरा पहला शो था उसमें एक छोटा सा एक छोटा सा रोल किया था और मेरी शुरुआत ही तो बहुत ही बेकार एक्टिंग की थी उसमें, लेकिन हाँ वो मेरी शुरुआत है। इसकी एंट्री भी ऐसे हुई थी, हो गया तेरी बताओ अभी बेचारी तेरी बताओ अभी जरूरतमंद लोग नहीं, मतलब बेचारे जरूरतमंद लोग जो लगते हैं बेचारे यार, ये हमेशा मान लो हमेशा अच्छे जोक नहीं मार सकता रहता एक दिन जाने स्लर हो गया थोड़ा सा, मैं कह रहा था स्पेशल नीड्स होते ना बेचारे जो उनके जैसी लग रही थी। So, मेरी शुरुआत यार स्टार प्लस से हुई थी। मैंने पहली बार कैमरा स्टार प्लस में फेस किया था। So, स्टार प्लस को बहुत बहुत शुभकामनाएं और 15 साल तो क्या 15,000 शुभकामनाएं देख रही हूँ। स्टार प्लस को कैंटा नहीं याद है तुमने क्या किया था। You know what? Right now I'm so glad I'm not hosting with you. स्टार प्लस को कुछ नहीं पड़ी कि तुमने उनके शो में क्या किया, उनको तो पता भी नहीं, उनको तो याद भी नहीं, तुम ही थैंक यू किया जा रही हो। तो मैं ही तो नचवली के थैंक यू करो क्योंकि नचवली हम जीते। तो क्या हुआ पहला शो था मेरा, आई कांट गेट इट, हां जो भी था। अच्छा तो इसके लिए स्टार प्लस थैंक यू, स्टार प्लस थैंक यू फॉर दैट। एंड अगर वो नहीं होता तो मैं पता नहीं कहां से शुरुआत करती, क्या शुरुआत होती और कहां एंड होता नहीं पता, बट थैंक यू फॉर दैट एंड ऑफ कोर्स थैंक यू फॉर नचवली हम जीते। व्हाट बड़ी प्यारी लग रही हो तुम, थैंक्स। बहुत क्यूट लग रही है, झंड कर मेरी मेरे बिना समझ झंड नहीं किए यार। अच्छा तू मेरी तारीफ करता है, झंड नहीं करता था सकता हूँ अभी कुछ बोलेगा। बड़ी प्यारी लग रही है आज, प्यारी लग रही है, बड़ी प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। हाँ इससे रेडी किया सच्ची। कितने इंच के पहने हैं आपने? बस ये जलन हो रही है, लंबी कैसे लग, ये मुझसे लंबी नहीं लग रही है, ये लई मुझसे लंबी नहीं लग रही है, इसके बाद भी आप मुझसे लंबी नहीं लग रही है, तो दुनिया वालों के लिए आप बहुत टिंगनी है फिलहाल। सो थैंक यू। कपड़े पहन के किसकी वजह से लग रही हो? तेरी वजह से। तो फिर थैंक यू किसको बोलना चाहिए? थैंक यू टेली बाइट्स।